माहे फैजान माहे ईमान मोहब्बत है रमजान मोहब्बत है रमजान। बहुत सारी छोटी छोटी नेकियां करके उनका बहुत ज्यादा ज्यादा अजर कमा सकते हैं, जैसे सदका खैरात करना, जैसे ज़कात देना और गरीबों की मदद करना। ये तो मोस्टली सब लोग ही रमजान में करते होंगे। इसके अलावा हम लोग एक और काम कर सकते हैं, हम लोग ज़ियाफ़त कर सकते हैं। हम लोग अपने रिलेटिव्स को, अपने जानने वालों को अपने घर इफ्तारी पर बुलाएं और उसके बाद उनकी मेहमान नवाजी करें। तो गाइस, आप लोगों ने मुझे पहले वीडियो में देखा होगा कि मैं अपना रूम सेट कर रही थी और आप लोग समझ चुके होंगे कि आज की मेरी वीडियो किस पे है। गाइस जी हाँ, मैंने अपनी फ्रेंड्स को अपने घर इफ्तारी पर बुलाया है। गाइस मैंने अपनी फ्रेंड्स को फर्स्ट टाइम इफ्तारी पर बुलाया और ये फर्स्ट टाइम उनका कि वो मेरे घर आ रही हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मम्मा मेन्यू में क्या बनाएंगी और मेरी फ्रेंड्स का और मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा गुजरेगा। गाइस ये तो मेरी नेबर्स में रहने वाली फ्रेंड्स है, वैसे तो इसके अलावा मेरी और भी बहुत सारी फ्रेंड्स जो स्कूल में हैं और इनमें से कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं नेबर में जो मेरे बहुत क्लोज हैं, तो मैंने उनको इफ्तारी पर बुलाया। तो गाइस मैं चाहती थी कि मेरा ये जो एक्सपीरियंस मेरा मेरी फ्रेंड्स का है वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँ। मेन्यू में पुलाव है, पकोड़े हैं, अचार गोश्त है, सैलेड है और कोक को कौन भूल सकता है। तैयारी का टाइम हो गया और अब हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं। गाइस मेरी फ्रेंड जा चुकी हैं और आप लोगों को मेन्यू का तो पता चल ही क्या होगा। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और मेरी फ्रेंड्स जाने से पहले कहा भी कि डिनर बहुत डिलीशियस था। हम लोग बॉसेस में इतने बिजी हो गए कि मैं भूल गई कि व्लॉग भी था यार। हम लोगों ने बर्थडे बातें की और हम लोगों ने बर्थडे सेल्फीज ली, पिक्चर्स ली, लेकिन वो पर्सनल है। सो अब आप लोग बात सुन रहे होंगे कि तरावियाँ होने वाली हैं और अब मैं भी तरावियों के लिए जा रही हूँ। सो दैट्स इट। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।